किरण जी आप कहाँ से आई हैं? अरे रुक जा, आ गया था, हट जाओ भाई। मयूर विहार फेस वन से। कितने साल से इलाज करा रही है डॉक्टर से? 18-19 साल हो गए। 19 साल से लगातार इलाज करा रही है। अब डॉक्टर क्या बताते हैं? वो दिमाग की नसें ब्लॉक बताते हैं, पैरालाइज भी हो गया था और कमर में गैप हो गया था और पैर का ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं मेरे। अभी तो 50 और कर देंगे वे। आप गैप बताते रहो, दर्द बताते रहो। आप देख, मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूँ। देख, डॉक्टर की सारी मशीनों में सबसे महंगी मशीन मेरी है। 50 लाख करोड़ की मशीन है मेरे पास, इसलिए 50 लाख करोड़ डॉक्टर फैल कर दिए मैंने। जितने का उतने डॉक्टर फैल कर दू सारी दुनिया के सामने। हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों को फैल कराऊ। और बोलो, अरे बुलाए कोई भाई? बीच में कुर्सी पे डाल के मत बैठ, कुर्सी कोने पे बैठ जाओ, वहां कुर्सी डाल के वहां बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़े नहीं हो आप, जवान हो बच्चों। हाँ, क्या हो रहा है? दर्द कहाँ है? अब दर्द नहीं है। देख, मैं ये हाथ दबा रहा हूँ जोर से, अब देखते हैं क्या होता है। देख, अब मेरी मशीन काम कर रही है इस टाइम। इधर देखो, हाथ दिखाओ, इसका मशीन काम करेगी। देखो अंगूठे हाथ में, कहीं ना कहीं मशीन काम करेगी। अब क्या हुआ? झंझनाहट सी हो रही है। कहा? हाथों में पकड़ा गया तत्व, वही झंझनाहट ही तो बता रहा हूँ मैं। जो तुझे झंझनाहट दिखाई दे रही है वो तुझे ठीक करने वाली है। देख कैसे दबा दिया मैंने। हाँ, जब तू यहाँ खड़ी हुई मेरे सामने, कहाँ दर्द था तुझे? कमर में और सीने में। और कमर में क्या बताया था डॉक्टरों ने? रीढ़ की हड्डी में गैप है। और सीने में क्या बताया? सीने में तो ECG करवाया था, थोड़ा उसके अटैक से वो बताए थे। अटैक तेरे की मरे ना, ये ससुरे कमीने कौन से हॉस्पिटल में चली गई, ये गैप भर गया। देख बता रहे, तू नीचे बैठ और उठ, हजार बार बैठ उठ, बैठ उठ, फिर बैठ फिर उठ, फिर बैठ फिर उठ, फिर बैठ फिर उठ, फिर बैठ फिर उठ। बता मेरे को, कमर में दर्द है क्या? कहाँ गया गैप? ये निकम्मे हैं। भारत का डॉक्टर जितना निकम्मा है इतना विदेश में नहीं है। केवल पैरासीटामोल देना जानता है वो, और यहाँ के डॉक्टर आदमी को बर्बाद कर देते हैं। इतनी दवाइयाँ खिला रहे हैं, कितने साल से खिला रहे हैं? रेगुलर 11 साल से दवाई खा रही है। 11 साल में 3 ऑपरेशन कर दिए। कहाँ कहाँ के? पेट के किए, बच्चेदानी निकाली थी, पेट का हुआ, एक पैर का हुआ। नहीं, तेरी बच्चेदानी निकाली, क्या पता तुझे उस टाइम भी पेट में प्रेत घूम रहा हो और उसी का दर्द हो और तूने बच्चेदानी निकलवा दी। क्या बच्चे हैं तेरे? 3। अच्छा, इनका एक और है निकम्मों का, इसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बच्चे पूरे हो गए, इसकी बच्चेदानी बाहर करो। बच्चेदानी का कोई मतलब नहीं, 40-45 साल का आदमी हो जाए, इसकी पित्त की थैली बाहर करो। ओ तेरे की, कितनी बड़ी सियासतदान है ये डॉक्टर। भारत का डॉक्टर महान नहीं, शैतान बन चुका है बिल्कुल। इनकी आंखों में लिहाज ना शर्म। यहाँ तक कि बड़े बड़े जितने भी लॉयर हैं, वकील हैं, वो इनका केस लड़ रहे हैं। ये इतना झूठ बोलने लगे हैं कुछ अदनी है। एक आदमी ट्रैक्टर के नीचे आके चित गया, उसकी आंख बाहर निकल गई। जज ही कह रहा है, कमीना डॉक्टर ये लिख रहा है कि इसको कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। तब जज ने उसका संज्ञान लिया और कहा है ऐसे डॉक्टरों को सबको जेल में भर दूंगा मैं प्रोसिक्यूशन के तहत। जज कह रहा है ये बात, सुना सकते हो आप? द्वारका हाई कोर्ट के एक जज ने वीडियो डाली है बकायदा, सुना सकते हो आप इस वीडियो को किसी को भी? मैं सबको लिंक भेज देता हूं, देख लो ना। तो उस जज का ऑनलाइन है सब कुछ। एक देखो, मैं इतना बोला हूं, इतनी देर ये खड़ी हुई है, मैंने इसको 1-2 मारे हैं, शरीर इसका हल्का हुआ है। अब इसको ये पूछ लो इसके शरीर में बीमारी क्या है, चल के आओ वहां से। पहले क्या बीमारी थी? पहले चल के आओ, चल के आओ, मुझे पता चलेगा आपको क्या क्या होता है। दर्द कहाँ है? फिर कहाँ गए सारे दर्द? एक बार उछलना जरा, बाथरूम आया? नहीं, वैसे ही तो आया होगा जैसे जाते हैं।
तो आ गया नहीं, आज अभी की बात बता रहा हूँ मैं तो, है महसूस हुआ, डाइपर पहने रखते हो अब महसूस हुआ। चलो कोई बात नहीं, आपको 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा आपको कौन सा कैंसर है। आप 4th stage के हैं और आपका दर्द डॉक्टरों ने ये कहा था जाएगा नहीं, लेकिन आपको यहाँ अभी दर्द नहीं है। कितनी देर से नहीं है? अभी जब से यहाँ पे आई। और हाथ लगाया दिखाना जरा, ये हाथ में बेल्ट है, बेल्ट लगाए बिना रह नहीं सकती। ये तो आपने तय लगा के रखी हुई है, किस लिए? ये तो भैया ने लगाई है। चलो जाओ, मौज लो, आनंद करो, चलो। हाँ क्या हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा। कोई रोग महसूस हो रहा है इस टाइम बॉडी में? बिल्कुल हल्कापन आ रहा है। थोड़ा पीछे करना भाई, क्या कर रहा है? एक साथ करो कैमरे को, अलग क्यों करते हो? देखने वाला क्या देखेगा? शरीर कांप रहा है। तो कांपेगा नहीं जब तक तो निकलेगा, तो कंपन हो गई तो निकलेगा। कैसे निकलेगा? कंपन हो गई एक दिन वो आपकी बॉडी में घुसा था, याद है आपको इस बात का? आज से आपको आराम पड़ जाएंगे, बोलो जय शनिदेव। चलो जाओ घर।